सच साहस सरोकार। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर, विधानसभा चुनाव की अटकलें हुई तेज। लखनऊ राजधानी में चल रहा नशे का कारोबार, सीएम योगी ने दिए आला अधिकारियों को निर्देश। राष्ट्रपति पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज को एनसीडब्ल्यू ने भेजा नोटिस। आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव के लिए प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट आज करेगी जारी। दिल्ली में शराब नीति घोटाला में आरोपी समीर महेंद्रू को आज ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में करेगी पेश। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर प्रयागराज से है, जहां पत्थर चट्टी का ऐतिहासिक राम दल को भगवान हनुमान जी की अगुवाई में बड़े ही धूमधाम से निकाला गया। वहीं रामलीला कमेटी के कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुति के साथ भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। राम दल में शामिल झांकियां दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही, साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उमड़ कर राम मंचन का आनंद भी लिया। खबर राजधानी से है, जहां महानगर में भव्य रामलीला का आयोजन किया गया। बता दें कि पिछले 56 सालों से यहां रामलीला का मंचन करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस रामलीला की सबसे खास बात यह है कि इसके सभी पात्र लड़कियों से कराए जाते हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक महानगर रामलीला में पहुंचकर रामलीला का आनंद लिए। बता दें, इस मौके पर प्राइम टीवी के संवाददाता सुहानी सिंह ने खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। आइए उनसे हम बात करते हैं, रामलीला की क्या उद्देश्य है सर, रामलीला के बारे में सर कुछ। ये महानगर की रामलीला बहुत ऐतिहासिक है और बहुत लंबे अरसे से ये लोग आपस में ही, जो मोहल्ले के लोग हैं, विभिन्न रूपों को रख करके राम की लीला का मंचन करते हैं। और मैं प्रतिवर्ष आता हूँ, मैं प्रतिभागियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों का आभार प्रकट करता हूं। सर, यहां पे लड़कियों का सर पात्र सर किरदार निभाया जाता है, उसके बारे में तो मैंने देखा ज्यादातर बच्चियां ही अच्छा काम कर रही हैं। खबर रायबरेली से है, जहां अमृत महोत्सव के तहत बनी सीवर लाइन फटने से मस्जिद की नींव धसी और मस्जिद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं आला अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। बता दें कि जनपद निवासियों ने आरोपी ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। खबर अलीगढ़ से है, जहां सोमना टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ विधायक और उनके साथियों ने जमकर मारपीट की। वहीं मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पीड़ितों ने आरोपी विधायक और उनके साथियों पर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। तो वहीं पूरे मामले पर पुलिस ने संज्ञान लेकर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई। थाना गवाना स्थित टोल प्लाजा पर एक गाड़ी के निकलने को लेकर हुए विवाद की स्थिति में गाड़ी सवार एक व्यक्ति द्वारा टोल प्लाजा के कर्मचारी के साथ अभद्रता करते हुए हमलावर होने की बात संज्ञान में आई, जिसके संबंध में टोल कर्मियों द्वारा एक तहरीर थाना गवाना पे दी गई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उस पे हमलावर व्यक्ति तथा उसके एक सहयोगी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फरीदाबाद में अवैध निर्माणों को ढहाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद आज नगर निगम और वन विभाग में संयुक्त रूप से जमाई कॉलोनी में तोड़फोड़ अभियान चलाया जा रहा है। यहां कई एकड़ जमीन पर बड़ी संख्या में मकान बने हुए हैं। विरोध की आशंका के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल पहले से तैनात है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई अगले 3 से 4 दिन तक चलेगी। ये अकेली बसी हुई या कोई ना, जब से है 7 साल का पहचान पत्थर सब कुछ है हमारा, ऐसा तोड़ के चले गए तो गरीब कहाँ से चून तक ना हमारे खाने की।
हमारे कल चून तक न है काम। अच्छा, इससे पहले कोई आपको नोटिस नहीं दिए गए तोड़ने से पहले? कोई ना दिए नोटिस हमारे को, कोई कोई ना। लेकिन ना। अच्छा, यहाँ कुल कितने घर है फिलहाल? यहाँ तो दुकान है ही है। अब आप लोगों ने सामान अभी निकाला है, टाइम टाइम दिया है इन लोगों ने। लेकिन कब्जा तो आप लोगों ने ही किया था ना, अवैध अतिक्रमण में तो आप लोगों ने किया था, क्योंकि हमारे से कल पुकार लेते गए शाम के टाइम, हमारे को कल कहे सुबह 8 बजे टूटने का है सामान निकालने। खबर औरैया से है, जहां फाफूंद कस्बे में सीआईएसएफ के अधिकारियों की तरफ से सेमिनार रखा गया। इस दौरान आर्मी पुलिस की तैयारी कर रहे कई छात्रों ने सेमिनार में हिस्सा लिया। वहीं सेमिनार के बच्चों को कामदंड करने वाले सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट की मौजूदगी में इस सेमिनार को रखा गया और डिप्टी कमांडेंट ने बच्चों को बड़ी सरलता से उनके उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी किया। इस दौरान भारतीय ज्ञान देवी महाविद्यालय के छात्र मौजूद रहे। बलिया में थाना हल्दी में हुआ लूट में पुलिस टीम को सफलता मिली। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 26 सितंबर को लूट की घटना करने वाले चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि चारों के पास मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और चाकू बरामद हुआ है। थाना हल्दी में दिनांक 26/9/22 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो अपने घर जा रहा था काम करके, कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने उसकी मोटरसाइकिल लूट ली थी। उनकी दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल लूट का अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में टीमें गठित करके इसमें कार्रवाई शुरू की गई। इसमें हमें सूचना प्राप्त हुई, सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए हमने इसमें शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। खबर लखीमपुर से है, जहां कन्हैया इंटर कॉलेज में वन्य प्राणी सप्ताह पर चित्रकला का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय वन अधिकारी कृष्ण कुमार ने छात्रों को वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी, साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को पुरस्कार भी दिया। सिद्धार्थनगर में रक्षक बने चौकी प्रभारी ने 5 लोगों को बिजौरा घाट पर जान बचाई है। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन करने गए लोगों से भरी पिकअप गड्ढे में फंस गई, जिसको निकालने के लिए श्रद्धालु गाड़ी से नीचे उतरकर धक्का देने लगे। इतने में गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और उन सभी लोगों पर गाड़ी पलट गई, जिसके बाद मदद करने पहुंचे चौकी प्रभारी ने अपनी सूझबूझ से लोगों की जान बचा ली। खबर गोंडा से है, जहां भारी बारिश के कारण नीचा पुल पूरी तरह से पानी में समाया, जिसके चलते ग्रामीणों के आने जाने का रास्ता बाधित हो रहा है। तो वहीं ग्रामीणों को 2 किलोमीटर की दूरी को अब 20 किलोमीटर की दूरी तय कर दूसरे गांव जाना पड़ रहा है। कई बार पुल के निर्माण को लेकर स्थानीय सांसद से शिकायत भी की गई, पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बता दें, पुल के डूबने से सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली छात्रों को उठानी पड़ रही है। मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद छात्रा की गला घोटकर हत्या कर दी और उसका शव फांसी के फंदे पर लटका दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। बता दें, फॉरेंसिक टीम की घटना स्थल पर पहुंची। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ घटना की जाँच में जुट गई। एक युवती के साथ दुराचार और उसके बाद हत्या की सूचना 7 बजे स्थानीय पुलिस को मिली है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचा गया, तत्परता से इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार द्वारा तहरीर दिया जा रहा है और शीघ्र ही दोषी की गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी लीगल प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए अति शीघ्र उसकी गिरफ्तारी करके और शीघ्र ही सजा दिलाने का कार्य किया। गोंडा में लगातार 24 घंटे की बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि डीएम
भारी बारिश के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिए हैं। वहीं जिला अधिकारी ने बारिश का जायजा लिया है और जहां पानी का अधिक जल भराव की संभावना है वहां जल निकासी के लिए आदेश दिया है, जिसके बाद लोगों ने से अपील की गई है कि ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। पिछले दो दिन से पूरे जनपद गुंडा में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। इसका अलर्ट भी पहले से जारी किया गया था और पिछले 24 घंटा का जो आंकड़ा है वो 314 mm से ज़्यादा की बारिश यहाँ अभी लगातार हो चुकी है और आज शाम तक का हाई अलर्ट है, जिसमें कि रेड जोन में हम लोग आ रहे हैं और भारी बारिश की संभावना है। इसलिए सभी जनपदवासियों से मैं अनुरोध करूँगा कि सुरक्षित स्थल पर रहें, कोई भी अगर मकान जर्जर स्थिति में है तो वहाँ निवास ना करें। और ये मैसेज सब जगह फैलाएं कि अगर कोई भी जगह ऐसी है जो जर्जर है या कोई घर ऐसा है वहाँ पर बिल्कुल निवास ना करें, जिससे कि कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े। राजधानी लखनऊ में नशे का कारोबार चरम सीमा पर है। आपको बता दें कि सीएम योगी के निर्देशों के बाद आला अधिकारियों ने भी सख्त आदेश दिए हैं। वहीं गुलजार नगर चौकी प्रभारी और कांस्टेबल चौकी के चंद कदमों पर खुलेआम गांजा बेचा जा रहा है, जिसके बाद सूचना मिलने पर नशे के कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर कानपुर से है, जहां तेज रफ्तार मोरंग लदे ट्रक ने ऑटो में पीछे से टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घंटों मशक्कत करने के बाद सभी घायलों को ऑटो से बाहर निकलवाया, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक की जो जानकारी की गई, अभी तक किसी को बहुत ज़्यादा इसमें चोटें नहीं, सभी का इलाज कराया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता रहेगी उनका सही से इलाज हो, अभी हॉस्पिटल में भी जाके देख रहे हैं और उनकी जान बच पाए, ये हमारी प्राथमिकता है। देखिए कट तो है, बहुत सारे कट हैं, आप देखेंगे तो ये हाईवे बहुत व्यस्ततम भी है, इस पर बहुत सारे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में चल रही हैं, हमारी जो ड्यूटियाँ रहती वो भी रहती है, बट चूँकि एक्सीडेंट है ये और बचाने की वजह से जो लोग बता रहे हुआ है, बट ये था कि तत्काल रिस्पॉन्स की वजह से सभी लोगों को निकाला जा चुका है। जी बिल्कुल। बलरामपुर में दशहरे के दिन भारी बारिश के चलते रास्ते में पानी भर जाने के कारण गड्ढे में मोटरसाइकिल सवार फंस गया, जिसे नगर कोतवाली के पुलिसकर्मी देखते रहे। उस युवक की कोई मदद नहीं की, वहीं पर थाना देहात कोतवाली के पुलिसकर्मियों को पता चला कि मोटरसाइकिल सवार फंसा हुआ है, तो उसे देखकर पुलिसकर्मियों ने भरे पानी में उतर कर पानी से बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।